सो इट्स योर लॉजिक कि आप उसको किस तरह से लेके चलते हैं। तो मैंने बताया ना, एफिशिएंट एल्गोरिदम इससे अच्छे अवेलेबल हैं, लेकिन इसको पढ़ने का मकसद क्या है, कभी भी आप एडवांस लेवल पे जब आप बढ़ते हैं तो आपको बेसिक फंडामेंटल्स का पता होना चाहिए। सो इट इज नोन एज ए बबल सॉर्ट बिकॉज विद वेरी कंप्लीट आइट्रेशन, एवरी कंप्लीट आइट्रेशन द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द गिवन एरे बबल्स अप टूवर्ड द लास्ट प्लेस और द हाइएस्ट इंडेक्स, जस्ट लाइक अ वाटर बबल्स राइज अप द वाटर सरफेस, दैट्स वेयर इट्स कॉल्ड बबल सॉर्ट। कि इसमें हर आइट्रेशन में जो है ना वो एक कम अज कम एक स्वैपिंग लाजमी होती है अगर आपके लिए सॉर्टेड ना हो, अगर लिए सॉर्टेड होगी तो कोई स्वैपिंग उसके अंदर नहीं होगी। तो आप इसी हाई कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद योर लॉजिक्स। सो सॉर्टिंग टेक्स प्लेस बाय स्टेपिंग थ्रू ऑल द एलिमेंट्स वन बाय वन एंड कंपेयरिंग इट विद द एडजेसेंट एलिमेंट एंड स्वैपिंग दैम इफ दे रिक्वायर्ड। सो वही बात बार बार मैं रिपीट करूंगा ताकि ये चीज आपको याद हो जाए, तैयार हो जाए। आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी कि मैं स्लाइड्स के अंदर या लेक्चर्स के अंदर एक चीज को बार बार रिपीट करता हूं। सो इट्स मीन दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट है और हमने इस पर फोकस करना है जो बार बार रिपीट हो रहा है। इसका एल्गोरिदम की तरफ आए तो बड़ा सिंपल और बेसिक सा एल्गोरिदम है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इसके बहुत सारे एल्गोरिदम मिलेंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इसके बेसिक एल्गोरिदम की। सो दिस इज द इजिएस्ट मेथड अमंग ऑल सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। आपको एक लिस्ट ए मिलेगी अनसॉर्टेड ऑर्डर में, आप क्या करेंगे उसके पहले एलिमेंट को आई असाइन कर देंगे और आई वर्कआउट करेगा 1 to n तक। ए और लेंथ ऑफ ए का मतलब यही है कि हाइएस्ट एलिमेंट। इसी तरह आप लेंगे एक एलिमेंट के, अब के एलिमेंट क्या होगा, वो आपका एंड से स्टार्ट होगा, एन से स्टार्ट होगा और आई प्लस वन तक आएगा और इसके बिटवीन आप क्या करेंगे, आप कंपैरिजन करेंगे, इफ ए ऑफ के लेस देन ए ऑफ के माइनस वन तो एक्सचेंज कर दें, अदरवाइज नो एक्सचेंज। और इसी तरह आप ये बढ़ते जाएंगे अनटिल अनलेस के आई और के इक्विवेलेंट हो जाए। जब आई और के इक्विवेलेंट हो जाएंगे तो इट्स मीन दैट नो नीड फॉर स्वैपिंग, नो नीड फॉर आइट्रेशन, योर लिस्ट विल बी सॉर्टेड। आपकी लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है, आप उसको आगे फर्दर एवेल्युएट कर सकते हैं, जो भी उसके ऊपर आपने वर्किंग अप करनी है तो उस लिस्ट के साथ आप वर्किंग कर सकते हैं। सो लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल, हम एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जब तक चीजें एग्जांपल के साथ क्लियर नहीं होती तो शायद आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से कवर अप नहीं कर पाते। सो एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट्स, एग्जाम्पल की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। सो अनसॉर्टेड लिस्ट ए आपके पास है जिसमें कुछ 7 एलिमेंट हैं, अगर आप देखें 7, 2, 1, 4, 5, 9, 6, दीज ऑल आर अनसॉर्टेड। सो ये सारे के सारे अनसॉर्टेड ऑर्डर में अवेलेबल है। सो यहां पे आपके पास मैंने अरे के अंदर इसको पुट कर दिया, ठीक है। अब ये लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स आपके यहां पे आ चुके हैं, ओके। सो ये लिस्ट आप अब कंसिडर करें कि आपने इसको सॉर्ट करना है। सो यहाँ पे आपका मैं एक इंडेक्स सेटिंग करने के लिए मैंने एक और इसके अंदर रो ऐड कर दी। ये ऊपर जो 1, 2, 3 हैं वाइट कलर में, ये सारे के सारे इंडेक्सेस हैं और ब्लैक कलर वाले तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो अरे के एलिमेंट्स हैं। सो ये आपका एल्गोरिदम है, मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिया ताकि आपको पता हो कि हम जो काम कर रहे हैं, जो स्टेप एवेल्युएट करेंगे, आपको पता होना चाहिए एज पर एल्गोरिदम लॉजिक हम वर्कआउट कर रहे हैं। सो सबसे पहले आपको आई और के को सेट करना है। अब आई और के किस बेस पर सेट हुए हैं, आई को 1 सेट किया, चूंकि आपके एल्गोरिदम की जो पहली स्टेटमेंट है वो यही है कि आई असाइन करें 1 to length ऑफ ए। सो आई ने वर्क करना है 1 से लेकर 1 to 7। इसी तरह के है, के ने एन से स्टार्ट होना है और आई प्लस 2 तक आना है, एंड सो ऑन। ये अपने डोमेन के अंदर वर्क करते रहेंगे। सो आई विल वर्क टिल एन इंक्रीमेंट्स एंड के विल वर्क टिल आई प्लस 1 डिक्रीमेंट। आई इंक्रीमेंट होना है और के आपका डिक्रीमेंट होना है। सो ये दोनों मैंने यहां पे लिख दिए हैं ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो, आपको बताओ आई बढ़ रहा है और के डिक्रीज हो रहा है। सो पहला स्टेप इसके अंदर क्या है, इफ ए ऑफ के लेस देन के ऑफ ए ऑफ के माइनस 1। सो ए ऑफ के आपके पास है 9, सो के माइनस 1 क्या है 6। तो आप जरा कंपेयर करें, क्या ये कंडीशन वैलिड है, क्या 9 लेस देन 6 है? नो, डेफिनेटली नहीं है, तो इनवैलिड है कंडीशन। तो जब कंडीशन इनवैलिड है तो कोई एक्सचेंज की जरूरत नहीं है, नो एक्सचेंज। जब एक्सचेंज कोई नहीं होना तो अगला स्टेप क्या होगा, क्या हमें के को इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि के इनर लूप है
और आई आउटर लूप है। आउटर लूप तब इंक्रीमेंट होगी जब के अपनी कंडीशन को फॉल्स कर देगा, और अभी के की कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है क्योंकि इसने आई प्लस वन तक चलना है, सो के डिक्रीमेंट हो गया। जब के डिक्रीमेंट होना है तो के इस वक्त 7 पे था तो कहाँ पे आ जाएगा, 6 पे। आप के की मूवमेंट को नोट कर सकते हैं कि के इस वक्त अब 6th एलिमेंट पे आ चुका हुआ है। सो यहाँ पे दोबारा कंपैरिजन की ज़रूरत है। आप चेक करेंगे क्या 6 लेस देन 3 है, डेफिनेटली नो, कंडीशन फॉल्स है। जब कंडीशन इनवैलिड हुई तो नो नीड फॉर एक्सचेंज, हम एक्सचेंज यहाँ पे नहीं करते। जब एक्सचेंज नहीं करेंगे तो फिर अगला स्टेप क्या है, के ने डिक्रीमेंट होना है, तो के जब डिक्रीमेंट हुआ तो के की लोकेशन चेंज होगी, अब के 5th एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट फेज, इसी फेज के अंदर नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है कि अब दोबारा कंपैरिजन हो रहा है, क्या 3 लेस देन 4 है, डेफिनेटली कंडीशन ट्रू है। अब कंडीशन जब ट्रू है तो वी नीड एक्सचेंज, हम एक्सचेंज की ज़रूरत है, तो एक्सचेंज कौन से होंगे, के और के माइनस वन, ये आपस में एक्सचेंज होंगे। सो 3 और 4 एक्सचेंज हुए तो 3 और 4 अपनी लोकेशन चेंज कर चुके हैं, ये पहले था अब ये लोकेशन चेंज कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप के डिक्रीमेंट, तो के बैक आ गया। इसी आइट्रेशन में नेक्स्ट स्टेप अब चेक होगा 3 लेस देन 1, सो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इट्स नॉट 4 इट्स 3, तो 3 लेस देन 1 इनवैलिड है, नो एक्सचेंज, सो के डिक्रीमेंट हो गया। सो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी लिखने में, तो 4 की जगह पे 3 है, आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपका है दोबारा कंपैरिजन, क्या 1 लेस देन 2 है, डेफिनेटली कंडीशन वैलिड है, जब कंडीशन वैलिड है तो आप एक्सचेंज करेंगे 2 और 1 को। सो 2 और 1 एक्सचेंज हो गए, ओके, के डिक्रीमेंट हुआ और के आई प्लस 2 तक आ चुका हुआ है, लेकिन इससे पीछे नहीं जाना, ये कंडीशन वैलिड है आई की के की, ये लूप जो होगी वो के लिए वैलिड है। सो दोबारा कंपैरिजन, क्या 1 लेस देन 7 है, डेफिनेटली कंडीशन वैलिड है, सो 1 और 7 एक स्वैप होंगे, सो 1 और 7 जब स्वैप हुए तो अपनी लोकेशन चेंज कर चुके हैं, सो के डिक्रीमेंट। जब के डिक्रीमेंट होना है तो अब के फर्दर आगे डिक्रीमेंट 1 पे नहीं आएगा क्योंकि कंडीशन हमारी आई प्लस 2 तक है, सो आई प्लस 2 तक कंडीशन में रहना है, सो दैट्स वाई नो चेंज, लूप एंड, के की लूप एंड कर चुकी है, एंड हो चुकी है, अब हम आई के इंक्रीमेंट की तरफ बढ़ेंगे। सो दैट इज योर सेकंड आइट्रेशन फॉर आई। अभी तक हमने के की आइट्रेशन को चलाया, अब हमारा फेज 2 है जिसके अंदर आई की आइट्रेशन होनी है। अब आई चेंज होना है तो आई हो गया 2, के दोबारा रीसेट होगा, के एंड पे आएगा दोबारा, और आपके आई और के दोनों अपनी लोकेशन पे सेट हो चुके हैं। अब दोबारा हम अपनी कंपैरिजन्स को स्टार्ट करते हैं। सो 9 लेस देन 6 कंडीशन इनवैलिड है, नो एक्सचेंज, सो के डिक्रीमेंट होगा। अब के चेंज हो चुका है, आई 2 पे है, के 6 पे है। सो दोबारा कंपैरिजन किया तो 6 लेस देन 4 कंडीशन इनवैलिड है, नो नीड फॉर एक्सचेंज, ओके, सो के डिक्रीमेंट हो गया। सो के डिक्रीमेंट होके 5th लोकेशन पे आ चुका है। अगेन कंपैरिजन, सो 4 लेस देन 3 कंडीशन इनवैलिड है, सो नो एक्सचेंज, ओके, के डिक्रीमेंट हो गया, ओके फाइन। नेक्स्ट स्टेप पे आप दोबारा कंपैरिजन कर रहे हैं तो 3 लेस देन 2 कंडीशन इनवैलिड है, नो एक्सचेंज, ओके, के डिक्रीमेंट, तो के आपका आई प्लस 2 लोकेशन पे आ चुका है। यहाँ पे स्टूडेंट कन्फ्यूज होके आइट्रेशन पे कंपैरिजन नहीं करते। याद रखिएगा आपकी कंडीशन जो है वो के की क्या है, लेंथ से डाउन आई प्लस 2 तक, तो आई प्लस 2 भी चेक होगा, आई के इक्विवेलेंट जब के होगा तो फिर चेक नहीं होगा। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यहाँ पे आपने फोकस करना है अपने लिए कि के यहाँ पे चेक होगा, इससे अगले स्टेप पे के चेक नहीं होगा और 3rd आइट्रेशन की तरफ हम मूव कर जाएंगे।